हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल सीआर सिंह सर के चैनल पर। इस वीडियो के अंदर आप क्लास 12th का कंप्लीट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है 2021 का, इसके बारे में आप जानेंगे ऑल सब्जेक्ट का। आप चाहें तो साथ साथ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिसको आप बाद में कंटिन्यूअस कंप्लीट देख सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे साथ साथ इसको जान सकते हैं कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। इस साल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मार्च अप्रैल 2021 में प्लस टू क्लास के, तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट में बेटा हमारे पास है सब्जेक्ट हिंदी, बुक आरोह वितान टू, आरोह टू वितान टू, दोनों आरोह और वितान जो बुक हैं इनसे 80 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, जो 2.5 घंटे का रहेगा। इसके अंदर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो 40 मार्क्स के रहेंगे, 1-1 मार्क्स के सारे हैं, 40 क्वेश्चंस इसके अंदर रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर के अंदर 53 आएंगे। टू क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहेंगे, 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के रहेंगे, 2 क्वेश्चंस 7 मार्क्स के। इसके अकॉर्डिंग आपके कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं बेटा 53, जिसके 80 मार्क्स होंगे। टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट का, मीन्स 2.5 घंटे का। इसके अंदर आपके टोटल जो पार्ट्स हैं वो ए और बी दो सेक्शन के अंदर हमारा जो पेपर है वो बटा हुआ होगा बेटा। फर्स्ट जो पोर्शन है वो 48 मार्क्स का रहेगा, सेकंड जो पोर्शन है वो 32 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर आरोह जो पद्य और जो गद्य भाग है उसके डिफरेंट डिफरेंट भाग से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जान सकते हैं। यहाँ से इसका 1 मार्क्स के 13 क्वेश्चंस आएंगे आरोह पद्य से, 1-1 मार्क्स के 13 क्वेश्चन। देखो बेटा, यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है बच्चे इसको समझें कि किस चैप्टर से सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही आ रहे हैं, या फिर किस चैप्टर से 2, 3, 4 या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप करें, जिससे 1 मार्क्स के जिसको हम बोल सकते हैं फिलिंदी ब्लैंक्स हैं, या फिर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिस चैप्टर से जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसकी तैयारी उसी के अनुसार अगर करेंगे तभी आप टॉप स्टूडेंट्स में आएंगे और आप भी टॉप कर पाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव, जिसके पास बुक्स लगी हुई हैं अंतरा और अंतराल, इनका भी पेपर 80 मार्क्स का ही होता है और टाइम इसमें भी 2.5 घंटे का ही होता है। यहाँ भी क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, टोटल 52 क्वेश्चंस आएंगे। और हिंदी कोर में 53 क्वेश्चंस हैं, हिंदी इलेक्टिव में आपको पता होगा आपने कौन सा सब्जेक्ट हिंदी कोर में भरा है या फिर हिंदी इलेक्टिव में भरा है। टोटल हमारे पास मार्क्स 80 रहेंगे, टाइम हमारे पास 150 मिनट का रहेगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। अंतरा जो बुक है अंतरा 02, इससे नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 मार्क्स के 18 आने वाले हैं। काव्य जो व्याख्या है उससे 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आने वाला है। यही इम्पोर्टेंट होता है कि किस भाग से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। कहीं हो सकता है कि आप जो काव्य जो भाग है अंतरा का, आप इसको 1-1 मार्क्स की तरह जो है आप इसको पढ़ें और इससे क्वेश्चन आ रहा हो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो यहाँ दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें आप देख लेंगे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं मार्क्स यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम रचनात्मक जो प्रश्न हैं ये हमारे आएंगे पेपर के अंदर। आगे हम जाते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश जो हमारे पास है इसमें बुक्स आपके पास लगी हुई होंगी फ्लेमिंगो और विस्तस, विस्तस या विस्तास आप इसको बोल सकते हैं। 2.5 घंटे का हमारा पेपर रहेगा, 80 मार्क्स का।
साथ में हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 53 रहेंगे। इसमें 3 क्वेश्चंस लॉन्ग रहेंगे, शॉर्ट 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चंस हमारे पास 2 मार्क्स के और 40 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के रहेंगे। ये आप जानेंगे। टोटल हमारे पास टाइम 1.5 घंटे का रहेगा, 2.5 घंटे का, सॉरी 2.5 घंटे का टाइम रहेगा बेटा, 150 मिनट का। टू इसके अंदर अनसीन पैसेज आएंगे, जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस 10 रहेंगे। ऐसे ही हमारे पास ग्रामर का आर्टिकल, टेंस, मॉडल्स, वॉइस, नरेशंस, ये हमारी आने वाली हैं, जिससे 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के। फ्लेमिंगो से एक पैसेज आएगा बेटा और एक स्टेंजा आएगा, 1-1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन इससे होंगे। फ्लेमिंगो से एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन अलग से आएंगे और विस्तृत से अलग से आएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट से और जान लेंगे अच्छी प्रकार से। ऐसे ही यहाँ पर हमारा दोबारा से दिखा रखा है कि रिपोर्ट है, पैराग्राफ है, एडवर्टाइजमेंट है, जो हमारे पोइट्री है, वो किससे हमारे पास ऐसे टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, किससे वेरी शॉर्ट आने वाले हैं। विस्तृत से वेरी शॉर्ट हैं, फ्लेमिंगो से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये आपने जान लिया होगा। आगे हमारे पास इंग्लिश इलेक्टिव है, कैलाइडोस्कोप बुक का नाम है, और यहाँ भी हमारे पास 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 80 मार्क्स का। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, क्वेश्चंस को आप जान लेंगे कौन कौन सा है हमारे पास, दोबारा से इसको देख लेंगे कि थोड़ा सा स्पीड से हो गया था बेटा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसके पास भी ये सब्जेक्ट हैं। यहाँ वीडियो को पुश करके भी आप ले सकते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स बेटा बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको इसके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं वो फिजिक्स में बाजी मार जाते हैं और टॉप आते हैं। बुक हमारे पास फिजिक्स की रहेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, टू इसके पार्ट्स हैं एनसीईआरटी के, और 70 मार्क्स का पेपर आएगा। ध्यान देंगे, अभी तक सारे पेपर्स 80 मार्क्स के थे, यहाँ पेपर हमारे पास 70 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 35 रहेंगे। पहले हमने जो क्वेश्चंस देखे वहाँ 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, यहाँ 30 हमारे पास 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 47 रहेंगे और टाइम उसके लिए है 150 मिनट का रहेगा। ध्यान देंगे, एक हम अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे बेटा आप सभी बच्चों के लिए, जिसमें सिर्फ ये शो किया जाएगा कि आपको पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा, उसके बाद आंसर शीट जो है, आपको किस प्रकार से पेपर को करना है, इसका भी किस प्रकार से आपको अगर कोई गलती भी हो जाती है किसी पॉइंट के अंदर, किस प्रकार से आपको उसको अटेम्प्ट करना है कि आपको कोई किसी ने भी कोई भी गलती की है तो वो किसी को नजर ना आए, आपको उसके ऊपर बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है, ये सभी बातें हम बिल्कुल बताएंगे। किस प्रकार से आप उसको दर्शाएंगे, गलती अगर हो जाती है तो आप उसको छुपाएंगे नहीं, मीन्स फ्लूइड का आप यूज़ नहीं करेंगे, हम बताएंगे किस तरीके से आप उसको करते हैं। आप अगर कमेंट करेंगे तो उस पर भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेंगे बेटा कौन कौन से हमारे पास चैप्टर हैं, कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स की हमेशा ही जो चैप्टर आता है वही हमारा है ऑप्टिक्स, जो 15 मार्क्स का आ रहा है। इसमें से हमारे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी हमारे जो है ऑप्टिक्स में से आने वाले हैं। बाकी आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है नेक्स्ट केमिस्ट्री का। बच्चे इससे घबराते हैं लेकिन ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका ऑर्गेनिक जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जिसको आप थोड़ा सा भी अगर समझते हैं तो एक बार अगर वो समझ में आना स्टार्ट हो जाता है तो उसको फिर आप चुटकियों में करते हैं। हम देखते हैं बेटा, इसमें केमिस्ट्री जो हमारे पास है, इसमें 2 हमारे पार्ट लगे हुए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और 2.5 घंटे का 70 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा। सेम सेम सभी अभी तक सभी कुछ सेम है, और 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस लॉन्ग रहेंगे, 5 क्वेश्चंस हमारे पास 3-3 मार्क्स के रहेंगे, 5 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के। इसी प्रकार से कंप्लीट हमारे पास 47 क्वेश्चंस रहेंगे 70 मार्क्स के, 2.5 घंटे का इसमें टाइम रहेगा, 150 मिनट का। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्लीट 13 चैप्टर हमारे इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं, जिसमें से 3 चैप्टर हमारे हट चुके हैं। जो चैप्टर यहाँ पर हैं, सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री हमारे पास है, दोबारा से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
सरफेस केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक एलिमेंट डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एनीस, एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड डाइजोनियम साल्ट और बायो मॉलिक्यूल्स। ये हमारे इसके अंदर कंप्लीट चैप्टर है। हमेशा की तरह जो चैप्टर हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट, वो सबसे अधिक मार्क्स का आता है। आप इसकी तैयारी सबसे अधिक बेस्ट करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो चार पांच चैप्टर से लिए गए हैं। सॉलिड स्टेट से चार चार क्वेश्चन लिए गए हैं, बाकी नीचे चैप्टर से चार चार क्वेश्चन लिए गए हैं। एक बात इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चंस आएंगे और 7 मार्क्स के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 47 है, 70 मार्क्स का ही रहेगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा बेटा। आगे हम बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी पेपर भी हमारे पास 70 मार्क्स का रहेगा और बुक हमारी एनसीईआरटी की रहेगी। जो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट बुक से स्टडी करते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ें, पहले आप मार्क्स को ऑब्टेन करें। मार्क्स आपके अच्छे आएंगे तभी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, फिर आप वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज की अंदर अच्छी अच्छी बुक्स की स्टडी आप कर सकते हैं। तो ये आपका प्रिपरेशन टाइम है, अच्छी प्रकार से आप स्टडी करेंगे। बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो इसमें बना दी है, जो हमारे पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको भी देख सकते हैं, वरना यहाँ से आप दोबारा से इसको कैरी कर सकते हैं। देख लेंगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो बेटा 35 रहेंगे। ऐसे टाइप जो क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चन 2 रहेंगे। शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं 3 3 मार्क्स के वो 5 रहेंगे। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास 5 रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा हमारे पास 47 रहेंगे 70 मार्क्स के। टाइम 150 मिनट का रहेगा। इसके अंदर से कोई भी जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट रिड्यूस नहीं हुआ है। सीबीएसई के 5 चैप्टर्स रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन एचबीएसई जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी है इससे एक भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है। सबसे अधिक मार्क्स के जो चैप्टर हैं हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का है बेटा, और हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर 5 और 6 मार्क्स के हैं, 6 और 7 मार्क्स के हैं। बाकी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हमारे जो चैप्टर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक आने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और दूसरे लॉन्ग क्वेश्चंस की और एनवायरमेंटल इशू से, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। बाकी 1 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं आप चैप्टर की स्टडी इसी प्रकार से बेटा करेंगे जिस प्रकार से क्वेश्चंस को दिया हुआ है, तभी आप अच्छे मार्क्स और फुल मार्क्स 100 मार्क्स आप पूरे भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी स्टडी कंटिन्यूअस रहेगी। यहाँ हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ से 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको सब्जेक्टिव रूप में आप ना पढ़ के सिर्फ जो है आप 1 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप इसकी स्टडी करें। साथ साथ जो सेकेंड चैप्टर हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, इससे हमारे पास 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आने वाला है। बाकी जो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन एक हमारा आएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 1 मार्क्स के हमारे पास 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको कंप्लीट आप देख लेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेके किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा बायोटेक पर। जिन बच्चों ने बायोटेक ले रखी है इनका जो पेपर होगा बेटा 60 मार्क्स का होगा। बुक बायोटेक एनसीईआरटी ही हमारे पास है, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा बेटा, और इसके अंदर 30 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 42 रहेंगे, जिसके लिए 60 मार्क्स रहेंगे और टाइम हमारे पास 150 मिनट, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। ये हमारे पास इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चैप्टर्स हैं, इतने इतने मार्क्स के हैं। सबसे अधिक मार्क्स हमारे पास प्लांट सेल कल्चर और एनिमल सेल कल्चर का चैप्टर है। आगे नेक्स्ट पर हम आते हैं बेटा, हमारे पास है हिस्ट्री का। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80 मार्क्स का हमारे पास पूरा कंप्लीट चैप्टर आने वाला है। 80 मार्क्स का कंप्लीट बुक एनसीईआरटी की आएगी हिस्ट्री की, और 40 इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। 2.5 घंटे का हमारा पेपर रहेगा, जिसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास 53 रहेंगे और 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ये हमारे पास सारा पोर्शन है, इसका आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ईट मन के तथा अस्थियां, राज किसान और नगर, सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है वो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, और बेटा यहाँ महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जान सकते हैं कौन कौन से चैप्टर जो हैं कितने कितने मार्क्स के आएंगे। ये हमारा हिस्ट्री का हो गया बेटा। आगे हमारे पास बेटा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के लिए हम बुक लिखी हुई नहीं है, कौन सी बुक आप जो आपके पास बुक लगवाई हुई है स्कूल से उसी से आप स्टडी कर सकते हैं। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा बेटा 80 मार्क्स का।
40 जो क्वेश्चंस हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 53 रहेंगे और 150 मार्क्स का ही रहेगा। ये हमारे पास है कंप्लीट चैप्टर्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राष्ट्र निर्माण वाला, नियोजन वाला, कांग्रेस, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये कंप्लीट हमारे पास चैप्टर हैं, इनको आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स के जो कैरी करते हैं, हमारे पास तीन चार चैप्टर हैं। यहीं तक बेटा हमारे पास सिलेबस है कंप्लीट, और आपने देख लिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई है बेटा, इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास भेजेंगे, उनको भी बताएंगे चैनल के बारे में। आपका अपना बेटा ये चैनल है, और अगर आपको कोई भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक कमेंट का बेटा जवाब दिया जाएगा, ठीक है बच्चे? तो अपने चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शिक्षा बेटा हमेशा बांटने से ही बढ़ती है, बाकी आप प्लस टू क्लास में सभी जानते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।